दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कल ही पंजाब में एक बड़ी घटना या दुर्घटना जिसे अपन कह सकते हैं वो होती होती टल गई। भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखी गई। और उसके बाद देखिए अभी कुछ बड़ी खबरें और अपडेट आ रहे हैं उस पर कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर एडीजी द्वारा लिखे गए पत्र सामने आए और उसके बाद हड़कंप समझ गया। आखिर उन पत्रों में क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। वहीं देखिए तो क्या फिर अब पंजाब सरकार पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है मोदी सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं देखिए पंजाब पुलिस को थी खुफिया जानकारी, अधिकारी बोले कि नहीं माने गए ब्लू बुक के नियम। ये ब्लू बुक क्या है और क्या इसके रूल्स हैं जानेंगे अपन। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले कि प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा न हो पाए तो पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है। तो वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी और देखते हैं कि देश के माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला था, वो तो मैं आपको अपडेट बता ही दूंगा। देखिए पंजाब के जो राजनीति के चर्चित चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक शर्मनाक बयान दिया कि पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को उन्होंने ड्रामा बताया, यानी कि कल जो कुछ भी हुआ वो सब एक ड्रामा था, नाटक था। कैसे घटिया घटिया बयान हमें देखने को मिल रहे हैं। और कल की उस घटना के बाद 1987 में राजीव गांधी पर श्रीलंका में हुए हमले का वीडियो भी फिर से वायरल हो रहा है। इसकी कुछ फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1987 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सिक्योरिटी में भी एक बड़ा पेच देखा गया। एक सैनिक द्वारा बंदूक की बट से किए गए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। जब राजीव गांधी भारत श्रीलंका शांति समझौते के लिए श्रीलंका गए थे तो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक सैनिक ने बंदूक बट से उन पर हमला किया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री पर विदेशी धरती पर हुआ अब तक का ये एकलौता हमला रहा है। तो वहीं देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बीच पर वो पांच सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल नंबर एक कि रूट को ग्रीन सिग्नल आखिर किसने दिया, जब पहले से पता था कि उस रूट पर आंदोलनकर्ता हैं तो आखिर उस रूट के लिए ग्रीन सिग्नल दिया ही किसने। गृह मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी सुबह बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें हेलीकॉप्टर से सैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचना था लेकिन मौसम खराब होने की वजह से एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने 20 मिनट तक यानी कि 20 मिनट का इंतजार किया। बाद में सड़क के रास्ते से जाने का फैसला लिया गया, ठीक है। लेकिन गृह मंत्रालय के मुताबिक पंजाब पुलिस की डीजीपी ने रूट को ग्रीन सिग्नल दिया था और उसके बाद ही पीएम मोदी का काफिला सड़क के रास्ते रवाना हुआ। इतना ही नहीं एक पायलट दल भी लगातार सड़क की निगरानी करता है। अब सवाल ये कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पंजाब पुलिस की ओर से ये आश्वासन दिया गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और रास्ते में किसी तरह का गतिरोध नहीं है, तो क्या ये जानबूझकर झूठ बोला गया। अब इस पर सफाई देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से आने वाले थे लेकिन एन वक्त में सड़क से आए और इसलिए ये घटना हुई। ये तो वही बच्चों वाली बातें होगी। दूसरा सवाल कि काफिला फंसा तो इलाका खाली क्यों नहीं कराया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया और सड़क भी जाम कर दी। कुछ वीडियोज भी सामने आए जिनमें हमें ये बात पता चलती है, राइट, जिसमें लोग पीएम मोदी के काफिले को दिखा रहे, यानी कि आम लोग प्रधानमंत्री की मोदी के काफिले से ज्यादा दूर नहीं थे। सवाल ये उठता है कि अगर फ्लाईओवर पर काफिला फंस गया था तो आसपास के इलाके को खाली क्यों नहीं कराया गया। अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों को नहीं हटा पाई तो 20 मिनट में अतिरिक्त फोर्स को क्यों नहीं बुलाया गया। इस पर भी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार किसानों पर लाठीचार्ज का दबाव बना रही थी। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के लोगों के खिलाफ लाठी या गोले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तीसरा सवाल डीजीपी चीफ सेक्रेटरी काफिले के साथ क्यों नहीं थे। अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा करने जाते हैं तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उस राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनका स्वागत करने जाते हैं, लेकिन कल वहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पीएम मोदी जब बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां न तो डीजीपी थे और न ही चीफ सेक्रेटरी। और इतना ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी रहते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के काफिले में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी तो थी लेकिन दोनों अधिकारी उसमें नहीं थे। वहीं चौथा सवाल इमरजेंसी रूट को लेकर पुलिस ने क्या तैयारी की थी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है, लेकिन जब पीएम किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उस राज्य की पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गृह मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था, उन्हें रसद और सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ आकस्मिक योजना के लिए भी तैयारी करनी थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक डीजीपी ऑफिस से रूट क्लियर होने का सिग्नल मिलने के बाद ही पीएम मोदी का काफिला सड़क से निकला, लेकिन आगे जाके पता चला कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। अब इसमें पंजाब पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या पुलिस ने इमरजेंसी रूट को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी। तो वहीं पांचवा सवाल कि प्रदर्शनकारियों को कैसे हर गतिविधि का अपडेट मिल रहा था, यानी कि पीएम मोदी इसी रूट से आने वाले हैं, ये बात प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चली, सोचने लायक सवाल, राइट। क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के रास्ते राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने ही नहीं वाले थे, उनके प्लान में अचानक बदलाव हुआ और प्रधानमंत्री मोदी सड़क से जाएंगे। इस बारे में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी समेत राज्य के शीर्ष अधिकारियों को ही जानकारी थी, फिर भी पीएम मोदी जिस सड़क से निकलने वाले थे उसे किसान प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया। और ऐसे में ये सवाल
घटना जायज है कि आखिर प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी की काफिले की गतिविधियों का अपडेट कैसे मिल रहा था। तो ये कुछ सवाल जवाब है जो पंजाब सरकार से अभी पूछे जाएंगे और कल ही इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आता है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एडीजी द्वारा लिखे गए पत्र सामने आए तो प्रशासन में हड़कंप समझ गया। बात कुछ यूं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब फिरोजपुर रैली के घटनाक्रम में जाने वाले थे ना, तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के कुछ पत्र सामने आए। एडीजी ने पंजाब पुलिस को सुरक्षा को लेकर कुछ पत्र लिखे हैं। इन पत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा मांगी गई थी। इतना ही नहीं, ये पत्र 1, 2, 3 और 4 जनवरी को पंजाब पुलिस को भेजे भी गए हैं। लेकिन जब पहले पत्राचार के द्वारा सुरक्षा की जिम्मेदारियों की बातचीत चल रही थी तो आखिर सुरक्षा गई कहां? और एक टर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब पुलिस को थी खुफिया जानकारी, अधिकारी बोले नहीं माने गए ब्लू बुक के नियम। ये ब्लू बुक क्या है? एसपीजी की ब्लू बुक आखिर होती क्या है? तो आपको बता दूं, ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है। जैसे मतलब हमारे संविधान है, पूरे भारत का कानून उसमें लिखा हुआ, उसी तरह से ब्लू बुक एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस की बुक है जिसमें किसी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर नियमों की जानकारी लिखी होती है ना। पर्टिकुलर देश में कोई बड़ी हस्ती वीआईपी है तो उनकी सुरक्षा के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस ब्लू बुक में लिखे हुए होते हैं। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइंस पूरी तरह से जानकारी के साथ लिखी होती है और उसके हिसाब से ही सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पीएम मोदी कहीं जनसभा में जा रहे हैं तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, पीएम सड़क मार्ग से जाएंगे, हवाई मार्ग से जाएंगे, जल मार्ग से जाएंगे, इस दरमियान किन किन नियमों का पालन किया जाएगा, इसके अलावा किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो वहां पर सुरक्षा कैसी होगी, इन सभी की बातों की जानकारी ब्लू बुक में लिखी होती है। इसके अलावा बुक में सुरक्षा जवानों की संख्या और अन्य प्रोटोकॉल्स की जानकारी भी लिखी होती है और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़ी हर एक बात नोटेड होती है। आपको बता दें, एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसी के हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइंस के हिसाब से पीएम मोदी का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अगर ब्लू बुक को पंजाब पुलिस ने फॉलो अप किया होता तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हमें देखने को नहीं मिलती। इसी तरह से एक येलो बुक भी होती है। ब्लू बुक के अलावा येलो बुक में वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है, ब्लू बुक में वीवीआईपी की जानकारी होती है, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ माहौल और मसला चल रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिल चुके हैं और आपको पता होगा कल से ही तो मीडिया में मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी डिमांड चल रही है पंजाब में। तो पॉलिटिक्स के एंगल से भी देखा जाए तो पंजाब में माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया और अब देखना यह है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की तरफ से पंजाब राज्य सरकार पर क्या सख्त फैसला लिया जाता है और कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मसले पर क्या न्याय दिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर बता दूं। पल पल की लाइव अपडेट न्यूज और भारत देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाए रखिएगा। आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।